तो अभी हम देखेंगे कि जो आपका टेम्परेचर है राइट तापमान जो है किसी भी चीज़ का वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या फिर एटॉमिक लेवल पे उसका मतलब क्या होता है यानी जो टेम्परेचर है आपका जो एक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है क्या वो किसी तरह से जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं या एटॉमिक वेरिएबल्स हैं क्या वो उनसे रिलेटेड है किसी तरह से उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज आप तो हमने कुछ एक पिछले वीडियोज़ में देखा था कि जो प्रेशर होता है गैस का जो एक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है वो भी माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल के साथ रिलेटेड है और रिलेशन क्या था पी इज इक्वल टू वन बाई थ्री रो वी बार स्क्वेयर पी क्या है यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रही है गैस वो है पी रो क्या है डेंसिटी है वी बार स्क्वेयर क्या है वी बार स्क्वेयर एक किस्म का एवरेज है एवरेज किसका है हर एक मॉलिक्यूल की विलासिटी को अगर आप स्क्वेयर करो उसका एवरेज लो वो ये एवरेज है वी बार स्क्वेयर और वी एवरेज स्क्वेयर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास तीन मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी विलासिटी फाइव टेन एंड फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड है तो वी बार स्क्र क्या होगा हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वेयर कीजिए फाइव स्क्वेयर टेन स्क्वेयर फिफ्टीन स्क्वेयर उसके बाद उसका एवरेज ले लीजिए तो फाइव स्क्यर प्लस टेन स्क्यर प्लस फिफ्टीन स्क्वेयर डिवाइड बाई थ्री तो वी बार स्क्वेयर या वी एवरेज स्क्वेयर कितना आ जाएगा अप्रोसीमेटली वन सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ठीक है अगर आप देखो डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो मास को हम लिख सकते हैं एन एम एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एम क्या है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ठीक है तो डेंसिटी की ये इक्वेशन आ गई ये आप यहाँ पर सब करो तो आपको क्या जाएगा? आ जाएगा p इसके बराबर आ जाएगा ठीक है v को आप यहाँ पर मूव कीजिए पी वी आपके पास ये आ जाएगा इसको मानते हैं इक्वेशन वन मानते हैं अभी हमारी गैस इक्वेशन क्या बोलती है पी वी इक्वल टू तो एन आर टी इसको आप वी इक्वेशन मानते हैं ठीक है पी वी पी भी, भी सेम है जिसका मतलब ये इसके बराबर होगा इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे दोनों टर्म दोनों जगह दोनों लेफ्ट और राइट साइड पर आप वन बाई टू से मल्टीप्लाई कीजिए और एन को यहाँ पे मूव कीजिए आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी ठीक है अगर आप देखो एन एम बाई एन ये किसके बराबर है मॉलिकुलर वेट के बराबर है ठीक है तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी हाफ एम बी स्क्वेयर इज टू थ्री बाई टू आर टी कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है आर कॉन्स्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ एम बी स्क्वेयर है तो ये एक कनेटिक एनर्जी लग रही है राइट बट कनेटिक एनर्जी किसकी एम यहाँ पे क्या है मॉलिकुलर वेट है मॉलिकुलर वेट में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल वी बार स्क्र क्या है एवरेज ऑफ द स्क्र ऑफ़ द दिलासिटी ऑफ इच मॉलिक्यूल तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल कनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हुआ जो टेम्परेचर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है अगर आपके पास एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल कनेटिक एनर्जी कितनी होगी मॉलिक्यूल्स की वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है ठीक है तो हमने लिख दिया टेम्परेचर जो था आपका माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल था उसको हमने माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में लिख दिया ये एक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्या है यहाँ पे एवरेज ट्रांसलेशनल कनाटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ठीक है ये हो गया एक तरीका आपको लिखने का एक और तरीका है जिसमें आप लिख सकते हैं उसके लिए आ, अगर आप देखो ये एक तरीका है बी वी ग्लू एनआरटी गैस इक्वेशन लिखने का एक और तरीका है आपकी गैस इक्वेशन लिखने का जिसमें आप बोल्टमैन कांस्टेंट यूज करते हैं वो है पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी के बी टी क्या है बोल्समैन कांस्टेंट है और हमारे डिस्कशन के लिए हम उसको एक और कांस्टेंट मान सकते हैं ठीक है तो जैसे हमने ए और बी को अरेंज किया था थोड़ा रीअरेंज रे किया था वैसे अगर आप उसको आप सी मानते हो उस इक्वेशन को ए और सी को रीअरेंज रे करो तो आप बड़ी ईजीली फाइंड कर सकते हैं कि भाई आ, हाफ एम बी स्क्वे इजक्ल टू थ्री बाई टू के बी टी वहां पर भी थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है के बी कॉन्स्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर हाफ एम बी स्क्वेर है वो भी कुछ कनेटिक एनर्जी लगेगा आपको लेकिन लेकिन वहां पे क्या है स्मॉल एम है स्मॉल एम क्या है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ठीक है तो आप जैसे हमने यहां पे लिखा था वहां पे लिख सकते हैं कि इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल कनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल राइट यहां पे हमने पर मोल बोला था वहां पर मॉलिक्यूल तो आप डिपेंड करता है आप क्या क्या चाहते हो राइट right? आप पर मोल कनेटिक एनर्जी भी एक्सप्रेस कर सकते हो टेम्परेचर को पर मॉलिक्यूल भी एक्सप्रेस कर सकते हो राइट वहां पर भी हमने जो एक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल के साथ रिलेट कर दिया किसको टेम्परेचर को ठीक है वहां पे पर मॉलिक्यूल है यहां पे पर मोल है लेफ्ट हैंड साइड पे अगर वहां पे देखो वहां पे M है इज मास ऑफ द मॉलिक्यूल यहां पे M क्या है मॉलिक्यूलर वेट राइट हैंड साइड पे वहां पर के बी है विच इज गैस कॉन्स्टेंट तो ध्यान में रखिए आपको डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो राइट बट बेसिक आइडिया ये है कि टेम्परेचर जो है वो किसी तरह से एवरेज ट्रांसलेशनल कनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है ठीक है और एक बात फाइनल बात याद में रखने वाली कि जो टी हम यूज़ कर रहे हैं दोनों में ये एब्सोल्यूट स्केल में होना चाहिए यानी कि कैलमिन स्केल में होना चाहिए और ऐ तो भी हम बात करेंगे कि भाई कनेटिक थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत क्या है अगर आप देखो तो थर्मोडाइनमिक्स मोस्टली आपके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं आपका जैसे प्रेशर हो गया टेम्परेचर हो गया वॉल्यूम हो गया जो आप इजीली मेजर कर सकते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो सवाल ये पता होता है भाई एटॉमिक लेवल पे जाने की जरूरत क्या इतना तो बवाल करने की जरूरत क्यों है राइट right? तो हमने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि भाई शायद जब हम एटॉमिक लेवल पर जाएँ तो शायद आपको ऐसी कुछ चीज़ें पता लगें जो अपने को अभी पता नहीं है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो वो हमने आर्ग्यूमेंट दिया था तो अभी सवाल ये पता होता है कि भाई हाँ आपने शुरू कर लिया है करानेटी थोड़ी पढ़ना तो क्या आपको ऐसी चीज़ें कुछ मिल रही हैं जो आपको ऑलरेडी पता नहीं थी राइट तो आंसर है बिल्कुल अपने को ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो अपने को पता नहीं थी पहले फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर लेते हैं राइट अगर आप देखो तो टेम्परेचर को अब तक हमने बहुत वेगली डिफाइन किया हुआ थोड़ी हवा में बात की हुई है टेम्परेचर को जब भी टेम्परेचर को डिफाइन करने की बात आती थी हमने उसको थोड़ा अवॉइड किया है थोड़ी हिचकियाँ उसको बिकॉज अपने को नहीं पता टेम्परेचर क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने अब तक सिंपल बोला था कि ये एक डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है जो थोड़ी हवा में बात थी राइट right? लेकिन अभी कनेटिक थ्योरी के बेस पे अपने को थोड़ी अच्छी डेफिनेशन मिली है उसकी थोड़ा समझ में आया कि भाई टेम्परेचर होता क्या है तो टेम्परेचर क्या होता है जैसे हमने देखा मेजर ऑफ एवरेज कनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स यानी कि कितनी एवरेज कनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की उसको मापता है टेम्परेचर उसका मेजर है राइट right? जो थोड़ा लॉजिकल लगता है जो थोड़ा सेंस बनाता है राइट तो भी हमको पता है आपकी अगर आपके पास गैस ए और गैस बी है अगर गैस ए का टेम्परेचर गैस बी से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा अभी बेस्ड ऑन कनेटिक थ्योरी हमने को पता है कि भाई जो एवरेज कनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के ए के मॉलिक्यूल्स की होगी वो एवरेज कनेटिक एनर्जी जो बी के मॉलिक्यूल्स से होगी उससे ज़्यादा होगी तो ये एक एग्जाम्पल है और भी एग्जाम्पल हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सेकंड लॉ को जो माइक्रोस्कोप लेवल पर देखा था तो वो थोड़ा लॉजिकल था थोड़ी सेंस बना रहा था वो राइट दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई जो कनेटिक मॉडल है वो सही है क्या बिकॉज अगर आप अब तक देखो जो हमने कनेटिक मॉडल बनाया है जो थ्योरी बनाई है वो अजम्पन्स के बेस पे बनाया है कुछ फ़र्श किया था चीज़ें हमने यानी कि ये थ्योरी जो बनी थी ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पर नहीं बनी थी ऐसा नहीं है कि जैसे चार्ल्स ला था या फिर बॉल्स uh, ला था जो हमने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर निकाला था ऐसा नहीं है ये थ्योरी को हमने सिर्फ कुछ अज्यूम करके निकाला था कुछ फर्ज करके चीज़ें निकाली थी राइट तो सवाल ये पता होता है कि भाई क्या जो आपके एक्जाम्शंस वो सही हैं राइट right? तो उसको प्रूव या डिस करने के लिए तरीका क्या है कि भाई जो आप रिजल्ट निकाल रहे हो इस थ्योरी को यूज़ करके क्या उन रिजल्ट्स को आप एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हो कोई वेरीफाई कर सकते हो तो उनमें से एक ऐसा कुछ टेस्ट करेंगे आज हम तो अगर आप देखो तो हमने एक रिज़ल्ट निकाला था कनेटिक थ्योरी को यूज़ करके यानी कि रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड द एवरेज कनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा भाई कि फर्स्ट करते हैं हमारे पास दो गैस है गैस ए और गैस बी दोनों का टेम्परेचर जो है सेम है लेकिन उनका जो मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो डिफरेंट है तो इसका एम वन है मास ये विलासिटी है ये टेम्परेचर है गैस गैसपी का ये मास है ये विलॉसटी है ये टेम्परेचर है टेम्परेचर दोनों का सेम है राइट right? तो इसका मतलब क्या होगा अगर टेम्परेचर सेम है तो उनका एवरेज कनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होगी वो भी सेम होगी ठीक है तो वो हमने ऐसा लिख दिया तो इसको आप ईजिली रीअरेंज कर सकते हो इस इक्वेशन में वी आर एम एस क्या है आपका रूट मीन क्वेर विलॉसिटी राइट वो यानी कि एवरेज वेलोसिटी के आसपास होती है और हमने एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें हम आ, ये थोड़ा डिफाइन किया हमने बट इस डिस्कशन के लिए आप मान सकते हो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के आजू बाजू होता है राइट तो ये रिलेशन आ गया आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मास ऑफ द मॉलीक्यूल्स का इसको देखो तो इसका मतलब क्या होगा अगर इस मॉलिक्यूल इस गैस के मॉलिक्यूल का जो मास अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी ये आहिस्ता मूव कर रहा होगा ऑन एन एवरेज मॉलिक्यूल्स राइट कितना आहिस्ता मूव कर रहा होगा हम यहाँ से पता कर, कर सकते हैं राइट right? और इसको आप इजीली एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हो कि भाई ये सही है कि गलत है राइट फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों गैसेज को मिक्स कर दिया आपने एक कंटेनर में डाला हो गया और दोनों को सेपरेट कर दिया आपने एक पोरस वॉल से तो कुछ देर के बाद आपको देखोगे कि भाई जो एक मॉलिक्यूल्स हैं आपको ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे क्योंकि उनकी विलासिटी ज़्यादा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस करके होंगे पोरस वॉल को राइट right? और आप इसको जैसे ये ये, ये एक तरीका है जिससे आप जो फिशनेबल यूरेनियम है यूरेनियम जो यू 235 है जो नेचर में बहुत कम मिलता है राइट right? उसको आप यू 238 से सेपरेट कर सकते हो यू 238 बहुत ज्यादा मिलता है नेचर में तो आप इस प्रोसेस से दोनों को सेपरेट कर सकते हो तो हमने देखा अभी कि भाई जो कॉन्सिक्वेंस था इसका उसको हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हैं राइट right? तो ये हो गया एक तरीका काफी ज्यादा और टेस्ट भी कर सकते हो आप राइट तो ये तो बस आपको आइडिया देने के लिए मैंने प्रूव किया यहाँ पे इसकी डिस्कशन की थी राइट तो लगता है कि हाँ यार ये मॉडल सही लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी हमने एग्जाम्पन्स की थी स्टार्टिंग में सारी की सारी एग्जाम्पन्स सही हैं कुछ एग्जाम्पन्स सही भी नहीं है सही नहीं भी हैं और उसके बारे में सेपरेट बात करेंगे बट ब्रॉडली स्पीकिंग मोटे मोटे तौर तो पर लगता है कि यार ये मॉडल सही है तो आज के लिए इतना ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए थैंक यू सो मच शुक्रिया बहुत बहुत